ये थी श्रुत गंगा। आज इस गंगा के भगीरथ बनने का सौभाग्य कुप्पू और रीमक जी को मिला। कितनी अद्भुत बात है, ये गंगा यहां से जाती भी है और वहां से आती भी है। इस गंगा में डुबकी लगाते वक्त अगर हम सभी अभिभूत हो जाएं, पूरी तरह से जुड़ जाएं और आज के दिन को समस्त कामयाबियों में, जो जो भी आपने जिंदगी में कामयाबियां प्राप्त की हैं, उपलब्धियां प्राप्त की हैं, उन सभी उपलब्धियों में, उन सभी प्राप्तियों में अगर इस उपलब्धि को हम सर्वोपरि माने कि ये जो उपलब्धि है श्रुत देव को ले जाने का और लाने का, सुनने का और सुनाने का, इसमें सभी इंक्लूड है। इस पवित्र धारा में हम सभी समाहित हैं। अगर हम सभी अभिभूत हो जाएं इस बात से, तो बैठे बैठे हमें सम्यक्त की प्राप्ति हो सकती है। बैठे 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 सुनते सुनते सम्यक्त की प्राप्ति आप जानते हो। सम्यक्त की प्राप्ति का मतलब है परम आनंद की प्राप्ति को पाने का लाभ प्राप्त करना। सम्यक्त की प्राप्ति का मतलब है मुक्ति की योग्यता प्राप्त करना। जब कभी हम सभी कहीं ऑफिस में जाने के लिए या कुछ अच्छे जॉब को प्राप्त करने के लिए एंट्रेंस की परीक्षा देते हैं, और उस एंट्रेंस की परीक्षा में अगर हम क्लियर हो जाते हैं तो हम आगे बढ़ जाते हैं, तो ये हमारी मुक्ति की एंट्रेंस का पेपर है अगर हम महसूस करें तो। पर लेकिन इसमें और कुछ नहीं चाहिए, केवल आपकी अभिभूतपना चाहिए, अभिभूत भावुकता चाहिए, एक ऐसी भक्ति चाहिए कि इस उपलब्धि के आगे सभी उपलब्धियां छोटी जानी जाने लगे या छोटी नजर आने लगे, कि सारी उपलब्धियां एक तरफ, लेकिन ये उपलब्धियां, क्योंकि संसार की जितनी भी उपलब्धियां हैं वो मेरे नाम से कनेक्टेड है, मेरे शरीर से कनेक्टेड है, मेरे वर्तमान जीवन से संबंधित हैं, लेकिन ये वो उपलब्धि है जो डायरेक्ट आत्मा से संबंधित है। उस आत्मा से संबंधित जो आत्मा इस शरीर के ढांचे को चला रही है, उस आत्मा से संबंधित जो आत्मा परमात्मा से मिल सकती है, उस आत्मा से संबंधित जब एक आत्मा परमात्मा बन सकती है। अगर ये चीज नहीं, नहीं कोई कोई नहीं, जैसे भी आपको साथ हो ना, जैसे भी, ऐसा टेंशन नहीं लेना। तो आज 28वां अध्ययन है और उस अध्ययन का नाम है मोक्ष मार्ग गति। मोक्ष मार्ग गति, पहले इनकी इसकी अध्ययन के हम चार लाइनें समझ लेते हैं। ये बहुत अद्भुत अध्ययन है, इसके अध्ययन के नाम से ही पता चल रहा है, मोक्ष मार्ग और गति, तीन चीजें आ रही हैं इसके अंदर। चार साधन मोक्ष गति के, चार साधन मोक्ष गति के,
वीर ने फरमाए हैं, ज्ञान दर्शन चरित तप विस्तार से बतलाए हैं। ज्ञान दर्शन चरित तप विस्तार से बतलाए हैं। सम्यक् पूर्वक हो तभी वे, सम्यक् पूर्वक हो तभी वे मुक्ति के आधार हैं। पुरुषार्थ करने से मिले यह साधना का सार है। पुरुषार्थ करने से मिले यह साधना का सार है। चार साधन मोक्ष गति के वीर ने फरमाए हैं, ज्ञान दर्शन चरित्र तप विस्तार से बतलाए हैं। तीसरी लाइन बड़ी महत्वपूर्ण है, सम्यक् पूर्वक हो तभी वे मुक्ति के आधार है। पुरुषार्थ करने से मिले यह साधना का सार। मोक्ष जिसे हम मुक्ति कहते हैं, कोई चीज है तो उसका रास्ता भी है, उसका मार्ग भी है। पहले मोक्ष जिसको इस आत्मा की मंजिल कहते हैं, आत्मा का असली घर कहते हैं मुक्ति को, जिसको हम सिद्धालय कहते हैं। मुक्ति आत्मा का वास्तविक घर है, वास्तविक स्थान है। जब ये भाव जगता है कि मुझे मुक्ति में जाना है, और मुक्ति में जाने की जिनके अंदर इच्छा है उनके लिए एक शब्द बोला गया है मुमुक्षु। क्या शब्द बोला? मुमुक्षु। मुमुक्षु कहते हैं मुक्त होने की इच्छा है जिसमें एक ही तमन्ना है कि बस मुझे मुक्त होना, मुझे संसार के कारागृह से मुक्त होना, मुझे दुनिया के कैदखाने से मुक्त होना। इसको और गहराई में आ जाए तो हमें कर्मों की कैद से मुक्त होना है, मुझे कार्बन शरीर के पिंजरे से मुक्त होना है। क्योंकि इस कार्बन शरीर का जो पिंजरा है जिसमें मेरी आत्मा फंसी पड़ी है, प्राधीन है वो, नहीं तो मेरी आत्मा में वो शक्ति है जो शेरों में रहती है, बब्बर शेर में होती है, लेकिन पिंजरे में होने की वजह से शेर की सारी शक्तियां उसी पिंजरे में कैद हो चुकी है, उसी कैदरे उस पिंजरे के अधीन हो चुकी हैं। शेर में बड़ी ताकत है, लेकिन अगर वो पिंजरे में बंद हो जाए तो सारी ताकत उसी चार दीवारी में बंद हो जाती है। ऐसे ही इस आत्मा में अनंत शक्ति है, अनंत ज्ञान है, अनंत श्रद्धा है, अनंत तप है, लेकिन इस कार्मन शरीर के अंदर गिरफ्तार होने की वजह से, गिरफ्त में आने की वजह से इस आत्मा की शक्ति बहुत सीमित हो गई है, प्राधीन हो गई है। वो पिंजरा अगर नरक में जाता है तो इस आत्मा को नरक में जाना पड़ता है, कभी त्रियंच योनि पशु योनि में जाना पड़ता है तो वहां चला जाती आत्मा, मनुष्य गति में देव गति में, पर पिंजरे से मुक्त नहीं होती। तो उसका रास्ता क्या है, उसका मार्ग क्या है? तो मार्ग आ गया मोक्ष मार्ग, फिर आया गति, क्योंकि उस मार्ग पर चलने के लिए गति भी चाहिए, आपकी रफ्तार भी होनी चाहिए, आपके अंदर उस मार्ग पर चलने का सामर्थ्य होना भी चाहिए। और वो सामर्थ्य, वो उत्साह, वो इच्छा कि नहीं मुझे इस रास्ते पर ही चलना है, ऐसा संकल्प भी चाहिए।
जब हमारे पास ऐसा संकल्प होता है, ऐसी इच्छा होती है, ऐसा प्रबल व्रत होता है, क्योंकि हमारे यहां व्रत को भी संकल्प कहते हैं, व्रत उठा लिया है, संकल्प उठा लिया है, प्रतिज्ञा कर ली है, प्रत्याख्यान कर लिया है, बधा जो प्रत्याख्यान है वो गति है उसकी। प्रत्याख्यान मतलब देखिए, मन में इच्छाएं तो बहुत आती हैं, मैं ये छोड़ दूं, ये छोड़ दूं, ये छोड़ दूं, केवल इच्छा से तो काम नहीं चलेगा, उसके लिए प्रत्याख्यान करना पड़ता है, प्रत्याख्यान लेना पड़ता है, संकल्प करना पड़ता है। अब कुछ भी हो जाए, छोड़ दिया, और चाहे छोटी छोटी चीजों से शुरुआत कीजिए। कौन कहता है कि आप है? हमारे यहां तो सबसे छोटी तपस्या नौकारसी की है जी, नौकारसी। दिन निकलने के बाद 48 मिनट तक कुछ भी खाना पीना नहीं, पर हां ये जरूर याद रखना, इसकी शुरुआत दिन छुपने से ही हो जाती है। ऐसा नहीं कि रात के 12 बजे तक भी खाते रहो और सुबह नौकारसी करके बैठ जाओ, तो इसकी शुरुआत, क्योंकि पहले जैन लोग है ना, रात्रि में भोजन नहीं करते थे, करते ही नहीं थे, तो अधिकांश पहले जैन लोग नौकारसी तो करते ही थे कि भाई ठीक है, दिन निकलने के 48 मिनट के बाद हम भोजन करेंगे या कुछ भी मुंह में डालेंगे। लेकिन अब करें क्या, रहा ही नहीं जाता, ऊपर से डॉक्टरों ने और कह दिया कि थोड़ा थोड़ा खाते रहो, और तुम सोचते हो डॉक्टर तुम्हारे हितेशी है, डॉक्टर तुम्हें ये कह रहे हैं थोड़ा थोड़ा खाते रहो ताकि थोड़ा थोड़ा हमारे पास आते रहो, क्यों खाते रहोगे तो बीमार तो रहोगे। और आपको ये बतला दे तो कोई व्यक्ति रात्रि भोजन का ही त्याग कर देना तो मालूम है एक साल के अंदर 6 महीने की तपस्या हो जाती है, कितने एक साल में, यानी 12 महीने के अंदर 6 महीने की तपस्या हो जाती है, किसके अंदर, केवल रात्रि भोजन के त्याग से ही। पर लेकिन करें क्या, हमारी पार्टियां तो चलती ही रात में है, लो जी मैं कहां चला गया, मैं इधर आ गया, क्योंकि मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये जिन वाणी की हम आराधना कर रहे हैं, सुरदेव की साधना कर रहे हैं, तो संकल्प होना चाहिए जरूर, छोटा छोटा राज। मैं ये कहता हूं कि हर रोज कुछ ना कुछ त्याग जरूर कीजिए, त्याग की प्रवृत्ति होनी चाहिए। भगवान ने तो यहां तक कहा कि अगर तुमने भोजन कर लिया है तो 2 घंटे का प्रत्याख्यान कर लो, 1 घंटे का प्रत्याख्यान कर लो, अगर ये भी नहीं कर सकते तो एक और प्रत्याख्यान कर सकते हो कि जब मैं दूसरी बार मुंह खोलूं तो नमो अरिहंतानम बोलूंगा, बिना अरिहंतानम बोले, नमो अरिहंतानम बोले मैं मुंह में डालूंगा ही नहीं, और जैसे ही मैंने कुछ खा लिया पी लिया तो लोक लगा दो, नमो सिद्धानम। लो जी ये लोकिंग सिस्टम है हमारा, इतना सुंदर। वहां पर ये नहीं कहा कि 1 घंटे तक 2 घंटे तक, वहां पर तो ये कहा कि जब तक मुंह में ना डालूं तब तक नमो सिद्धानम, और मुंह में डालूं तो नमो अरिहंतानम, मुंह में डालने से पहले नमो अरिहंतानम। आप संपर्क में रहो ना, आप सुरत देव जिनवानी के, जिनेन्द्र देव के संपर्क में रहो, दुनिया के अंदर तुम इतने संपर्क में रहते हो, एक संपर्क अपने भगवान से भी रख लिया करो। ये संपर्क आपको कहीं ना कहीं तारणहार बना देगा, ये संपर्क कहीं ना कहीं आपको पार करने वाला बना देगा। तो 4 साधन मोक्ष गति के वीर ने बतलाए, कौन कौन से, ज्ञान, दर्शन, चरित्र और तप, बस ये मोक्ष मार्ग है। ये मोक्ष का क्या बताया, मार्ग, मार्ग यानी रास्ता, रास्ता यानी राह। और ये कहा है सम्यक्त पूर्वक हो तभी वे मुक्ति के आधार। ज्ञान मिथ्या भी हो सकता है, दर्शन मिथ्या भी हो सकता है, चरित्र दुष्चरित्र भी हो सकता है, तप बाल तप भी हो सकता है, अज्ञान तप भी हो सकता है, लेकिन एक शब्द जोड़ दिया उन्होंने सम्यक्त। ये हमारे जैन शासन का प्यारा शब्द है सम्यक्त, समकित कहिए
सम्यक तो कहिए, सम्यक दर्शन कहिए, बात एक ही है। सम्यक दर्शन उसको कहते वो दर्शन जिसमें कोई मिलावट नहीं है। सम्यक दर्शन यानी जिस पर कोई रंग बिरंगा चश्मा चढ़ा हुआ नहीं है। सम्यक दर्शन यानी जो कट्टरवादी नहीं है। यह अच्छा शब्द है क्योंकि कट्टरवादी कभी भी सम्यक दर्शी नहीं हो सकता, कभी सम्यक दर्शनी नहीं हो सकता। इसलिए कहता हूं कि यह अंदर से निकालो कट्टरता, क्योंकि कट्टरता मोहनीय कर्म की प्रचंडता से ही आती है, मोहनीय कर्म के प्रभाव से आती है। मैत्री भाव में कट्टरता आ ही नहीं सकती। तो इसलिए हम संतों को भी और आश्राविकों श्राविकाओं को चेक करते रहना चाहिए, कहीं में कट्टरवादी तो नहीं हो गया, कहीं में बहुत आग्रही तो नहीं हो गया, कहीं में अपने मंतव्य के प्रति रिजिड तो नहीं हो गया। क्योंकि कट्टरवादी उसको कहते हैं जिसे अपने मत के अलावा कोई मत ही नजर ना आए। देखिए दो चीजें हैं कट्टरवादी की अंदर और सम्यक्त्वी के अंदर। हमें दूर से ऐसा लगता है सम्यक्त्वी भी पक्का है, सम्यक्त्वी पक्का होना एक अच्छी बात है, लेकिन एक सम्यक्त्वी का गुण बतला रहा हूं, चेक कर लेना वो है या नहीं। इसलिए क्योंकि मुझे ये जरूरी कहना होता है, आप अपनी साधना में मस्त हो, ये जो मस्ती है, ये जो भक्ति है, ये आपका सम्यक दर्शन है। लेकिन अपनी मस्ती के अलावा तुम दूसरों की भक्ति पर कटाक्ष करो, दूसरे की साधना पर उंगलियां उठाओ, दूसरों की हम निंदा करें, ये जो निंदा का जो भाव आता है ये हमें मिथ्या दर्शनी बनाता है। क्योंकि निंदा हम हमेशा नफरत में ही कर सकते हैं, वैसे नहीं कर सकते। यही मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। आपको एक बात बताऊं, इसको मैं और सरल तरीके से समझाऊं। अपने माता पिता की प्रशंसा करने का अधिकार हर किसी को है, राइट? हमें अपने माता पिता, अपने गुरुओं की प्रशंसा, अनुमोदना, पूजा करने का अधिकार सभी को है, लेकिन किसी के माता पिता पर उंगली उठाने का अधिकार किसी को नहीं। आप किसी की निंदा नहीं कर सकते, आपको अपने माता पिता की पूजा करने को किसी ने मना नहीं किया, उनकी अनुमोदना करना, उनका सम्मान करना किसी ने भी मना नहीं किया, लेकिन एक बात अड़ा दी भगवान महावीर ने, निंदा नहीं करना। तो चेक कर लो, आप अपने अपने गुरुओं को मानते हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर दूसरे गुरुओं की तुम हम और सब निंदा करें पर यह तो गलत हो जाएगा, क्योंकि ये द्वेष का काम आ गया, ये राग द्वेष का काम आ गया। तो ये अज्ञान भी हो जाता है, मिथ्या ज्ञान भी हो जाता है, मिथ्या दर्शन भी हो जाता है। सम्यक पूर्वक हो तभी मुक्ति के आधार है। पुरुषार्थ करने से मिले ये साधना का सार है। पुरुषार्थ करना पड़ता है, तन्मय रहना पड़ता है, सजग रहना पड़ता है, सजग सचेत, बिल्कुल कंसंट्रेट, समझिए कॉन्शियस माइंड से जुड़े हुए रहना पड़ता है। हमें जागरूक रहना पड़ता है, जागरूक। और ये जो जागरूकता है, हमारे आगमों में इसको एक शब्द दिया है, अप्रमत्तता, अप्रमाद, इसको अप्रमाद कहा है। प्रमाद में हम निंदा करते हैं, प्रमाद में हम बुराई करते हैं, बुराई देखते भी हैं, मदहोश होते भी हैं प्रमाद के अंदर। पुरुषार्थ तो आप यहां आने पर भी करते हो, और पुरुषार्थ तो आप कल्बों में जाने के लिए भी करते हो, पुरुषार्थ तो है वो, लेकिन एक प्रमाद की कैटेगरी में आ गया और एक अप्रमाद की कैटेगरी में आ गया, क्योंकि वहां शान शौकत के लिए जा रहे हो और यहां तुम आत्मा के लिए आ रहे हो। जब हम आत्मा के लिए कुछ भी करते हैं वो अप्रमाद कहलाता है, और जो हम संसार के लिए करते हैं, शरीर के लिए करते हैं, इंद्रिय के लिए करते हैं, विषय और विकारों के लिए करते हैं, वो सब प्रमाद के अंतर्गत आ जाता है। तो हमें अप्रमादी बनना है, आत्मा का हित सामने रखना है। जब भी हम किसी का बुरा करें तो तुरंत आत्मा के संपर्क में आओ। आत्मा के संपर्क में आते ही आत्मा तुम्हें कहे कि तू ये क्या कर रहा है,
तू क्यों कसायों के अधीन, क्रोध मान माया लोभ के अधीन, राग और द्वेष के अधीन होकर के तू क्यों मेरे आजादी पर इतना घेरा डाल रहा है, मुझे क्यों पराधीन कर रहा है? तो मैं बताऊं, साधक की यात्रा दर्शन ज्ञान चरित्र और तप से प्रारंभ होकर दर्शन ज्ञान चरित्र तप की पूर्णता पर समाप्त होती है। साधक की जीवन यात्रा, साधक आप भी और हम भी हैं, साधक की यात्रा का प्रारंभ होता है ज्ञान दर्शन चरित्र और तप से, और इस साधना की पूर्णता भी होती है जब ज्ञान पूर्ण हो जाए, दर्शन पूर्ण हो जाए, चरित्र पूर्ण हो जाए, तप पूर्ण हो जाए, उसकी पूर्णता पर इसका समापन होता है। ज्ञान दर्शन चरित्र की पूर्णता का मतलब है आपको केवल ज्ञान हो गया, और केवल ज्ञान होने का मतलब है कि आपको मुक्ति का टिकट मिल गया, मुक्ति का रिजर्वेशन मिल गया। अब इसको समझना थोड़ा, श्रद्धा किसको कहा है, व्यवहारिक पक्ष बतला रहा हूं मैं, पहले व्यवहारिक पक्ष फिर निश्चय का पक्ष बतलाऊंगा। ये थोड़ा आज सब्जेक्ट कठोर तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है समझ ऊपर से जा रहा हो, ऊपर से मत जाने देना, है ना, जिसके ऊपर से जावे ना हाथ खड़ा कर देना जी गए ऊपर से, फिर मैं करूंगा नीचे, क्योंकि हो सकता है उसको नीचे ला लूं। नौ तत्वों के यथार्थ स्वरूप को सम्यक श्रद्धा कहते हैं। नौ तत्वों के ऊपर हमारा भरोसा होना चाहिए, हाँ नौ तत्व हैं, जीव तत्व है, अजीव तत्व है, पुण्य तत्व है, पाप तत्व है, आश्रव तत्व है, संबर तत्व है, निर्जरा तत्व है, बंध है, मोक्ष है, ये नौ तत्व हैं। हमने केवल गुरुओं से ही नहीं पढ़े, क्योंकि गुरुओं ने कहां पढ़े, आगमों से, और आगमों से पढ़ के अगर हमें गुरु बता रहे हैं, हमारे श्रावकों को इतनी छूट दी गई है कि तुम अगर आगम नहीं पढ़ सकते तो ना पढ़ो, लेकिन कम से कम संतों के प्रवचन तो, क्योंकि हम तो आपको रेडीमेड माल दे रहे हैं, तुम्हें बहुत शौक है रेडीमेड माल का, तुम चाहते हो कि सब चीज ऑनलाइन आ जावे, तुम चाहते हो हर चीज मैं ऑर्डर करूं आ जावे, पर मेहनत हम कर रहे हैं ना, तुम्हें तो केवल माल लेने आना है, आ जाए करो। नक जी सामने बैठे हैं तो ठीक है, उस पर पहले भरोसा करना चाहिए, ये हैं। अगर ये भरोसा हमें ज्ञान करवाता है, क्योंकि जब तक पहले भरोसा नहीं होगा तब तक आप ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकते। पहले विश्वास होना चाहिए कि ये हैं, तो फिर उसको पाने की, उसको समझने की एक चाह पैदा होती है, और वो चाह कुछ ना कुछ आपको प्रवचन में लेके आएगी, आपको स्वाध्याय करवाएगी, जिसकी वजह से आपको ज्ञान होने लगेगा। तो तत्वों का ज्ञान होना ये सम्यक ज्ञान है, तत्वों पर श्रद्धा होना सम्यक श्रद्धा है, सम्यक दर्शन है, उसका ज्ञान होना सम्यक ज्ञान है, और उस ज्ञान के होने के बाद, ज्ञान के होने के बाद फिर मन में एक भाव जगता है, यार ज्ञान तो हो गया, क्योंकि इन समस्त नौ तत्वों का ज्ञान होने के बाद यह भी तो ज्ञान हो जाएगा कि मैं कौन से कर्म कर रहा हूं और किन किन कर्मों की वजह से मैं इस संसार से जुड़ा हुआ हूं, संसार में बंधा हुआ हूं, चार गतियों का मेहमान बन रहा हूं, 84 लाख जीवा योनियों को निमंत्रण दे रहा हूं, मैं इस दल दल में फंस रहा हूं, जैसी भाव आ गया ज्ञान, इन नौ तत्वों का ज्ञान होते ही तुम्हें जो ये संसार नजर आता है जिसके पीछे दुनिया पागल है, फिर एक भाव पैदा होगा कि ये घर नहीं, ये कारागृह है। ठीक है, मेरे कर्मों की वजह से, शुभ कर्मों की वजह से, पुण्यवाणी की वजह से इस घर को मैं बना सकता हूं, इस घर से मैं बाहर भी आ सकता हूं, इस घर के अंदर भी जा सकता हूं, और इस घर के आगे बेशक बेशक ना चाहते हुए भी बच्चों की इच्छा से मैं इस घर का कोई ना कोई नाम भी रख सकता हूं। लेकिन मन में एक भाव जग जाता है, मैं इस घर में केवल मेहमान हूं, हाँ इस घर में मैं केवल मेहमान हूं। कब तक, जब तक
इस शरीर में आत्मा का वास है। जिस दिन ये आत्मा अपने इस घर को छोड़ देगी, उस दिन इस शरीर को भी इस घर से बाहर निकाल दिया जाएगा। जिन चीजों के लिए मैं ये कहा करता था, कोई इसको हाथ लगा के दिखाए, आ है ना, ये बोलते थे तुम, कोई हाथ लगा के दिखा, हाथ काट दूंगा। जब प्राण निकल जाएंगे ना, उन चीजों का शायद वो उपयोग करेंगे जो तुम्हारे पक्के दुश्मन थे, लेकिन तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। ये बोध जागना, ये भाव जागना, ये सम्यक ज्ञान है। और जब ज्ञान हो जाता है, फिर मन में सोचता है कि इस घर को छोड़ने से पहले, यानी मृत्यु के आने से पहले, मैं कुछ त्याग प्रत्याख्यान कर लूं, कुछ छोड़ता चला जाऊं, छोड़ता चला जाऊं। क्योंकि आखिर शरीर, आत्मा ने इस शरीर को भी छोड़ना है और इस शरीर ने इस घर को भी छोड़ना है, तो छोड़ने से पहले मैं क्यों ना छोड़ दूं। तो पहले चीजों को छोड़ना शुरू कर दीजिए, और फिर उनके प्रति जो आसक्ति है, क्रोध मान माया लोभ है, उनको कुछ कमजोर करना शुरू कर दीजिए। यही सम्यक चरित्र है। और अपने इस चरित्र को सुव्यवस्थित करने के लिए जो हम तपस्या करते हैं, तप करते हैं, यह सम्यक तप कहलाता है। जो भी हम कुछ करते हैं, नौकारसी, पोरसी, डेढ़ पोरसी, समायक वगैरह, जो भी हम करते हैं, ये सब व्यवहार पक्ष है। अगर हम इसको निश्चय नहीं से देखें, आत्म स्वरूप की प्रतीति होना ये श्रद्धा है, ये दर्शन है। आत्म स्वरूप की प्रतीति होना, क्योंकि जैसे आत्म स्वरूप की प्रतीति होगी ना, आपको इस आत्म स्वरूप का ज्ञान होने लगेगा, तो शरीर तुम्हें अलग नजर आएगा, तुम्हें एक भान लग नजर आएगा कि शरीर अलग है, आत्मा अलग है। यह आत्म स्वरूप की प्रतीति है। और आत्म स्वरूप की प्रतीति का एक लाभ होगा कि कोई भी संसार का प्रभाव आपको प्रभावित नहीं कर सकता, और संसार की कोई भी प्रतिकूल परिस्थिति आपके मानसिक संतुलन को खराब नहीं कर सकती। ये प्रमाण है। जिसको आत्म स्वरूप की प्रतीति हो गई, तो वो ये सोचता है कि सब कुछ वही हो रहा है जो होना है, कर्म करवा रहे हैं, ये आत्मा का कुछ नहीं है, आत्मा सबसे अलग है। ये आत्म स्वरूप की प्रतीति है। और अपने आत्म स्वरूप का बोध होना, एक तो प्रतीति का मतलब है अंदाजा, प्रतीति का मतलब समझ गया आप, प्रतीति कहते हैं अंदाजे को, अंदाजा होने लग जाता है। लेकिन स्वरूप का बोध होना, बोध होना यानी विश्वास हो जाना, यह ज्ञान है। यह स्वरूप का बोध होना सम्यक ज्ञान है। और उस बोध को प्राप्त करने के लिए बंध का त्याग करना, आश्रम का त्याग करना, जो भी आश्रम आ रहे हैं, जो भी कर्मागमन हो रहा है, हमें बड़े सावधान हो जाते हैं। कुछ भी दुर्विचार, कुछ भी गंदे विचार मन में आते हैं, तो एकदम बोध जाग जाता है। अरे ये गंदे विचार नहीं, अरे ये गंदा नाला है, ये गंदा जल है, ये तेजाबी जल है, ये जहर है, ये विष है, ये कहीं ना कहीं हमारी आत्मा को दुर्बल कर देगा। जैसे ये बोध होने लगता है, तो उस चीज को आप निकालना शुरू कर देते हो। पहले तो संवर कर लोगे, संवर यानी उस चीज को, उन भावों को आने से रोक लोगे, और रोकते ही फिर एक चीज और नजर आने लगे। भाई जब संवर तो कर ही लिया, अब इसकी निर्जरा भी करो, इसको हटाओ यहां से, इस गंदगी को बाहर निकालो। क्योंकि अगर आप जिस वक्त तूफान चल रहा हो, तो कभी कभी तुम कमरे मतलब शीशे खिड़कियां बंद कर देते हो, ताकि, और आजकल तो बड़े जबरदस्त चीज आने लगी, मशीन भी आने लग गई है, वो जो घूमती रहती है, वो पूरी गंदगी को अपने अंदर खींच लेती है, वैक्यूम सिस्टम। हाँ, वैक्यूम, ये वैक्यूम सिस्टम है, निर्जरा तत्व वैक्यूम सिस्टम, उसको निकालो। निकालने का जो भाव आता है, ये निर्जरा तत्व है। और जब स्वच्छता हो जाए, निर्मलता हो जाए, अरे आनंद आता है। कभी भी देखना, जहां गंदगी हो ना, आपको अच्छा नहीं लगेगा, नेगेटिविटी आएगी जहां गंदगी होगी, लेकिन जहां स्वच्छता होगी, वहां आपको आनंद आएगा। अब यहां पे तुम आराम से बैठे हो, ये सुन रहे हो, आनंद आ रहा है, लेकिन यहां कोई ओ हा, कोई शोर मचा रहा हो, कोई इधर उठ के जा रहा हो, कोई
कुर्सियां खर्चका रहा हो तो बताओ आपको आनंद आएगा क्या? व्यवधान जो होता है इसका एक ही समाधान है, अवधान। अवधान ध्यान को केंद्रित कर लीजिए तो अपने आप में समाहित हो जाओगे। तो ये निश्चय से रूप से ये तप है, ये चरित्र है। इसको मैं और परिभाषित कर देता हूं, थोड़ा सा समय है, थोड़ा सा। हमारे व्यवहार पक्ष के तीन तत्व बतलाए हैं जैन धर्म के। ये बड़े बच्चों को भी बताया जाता है, बच्चों को भी समझाया जाता है। देव हमारे श्री अरिहंत, गुरु हमारे निर्ग्रंथ संत, धर्म हमारा दया प्रधान। ये जैन धर्म के तीन तत्व हैं व्यवहारिक। हाँ, व्यवहारिक बाहर के बोलने के लिए, व्यवहार के लिए। ये व्यवहारिक पक्ष है हमारा जैन धर्म का। वो जैन धर्म किसको कहते हैं? जैन धर्म उसको कहते हैं जिसका देव अरिहंत होता है। हाँ, जो अरिहंतों को मानते हैं वो जैन होते हैं, जो निर्ग्रंथ संतों को मानते हैं वो जैन होते हैं, जो दया धर्म की पालना करते हैं वो जैन होते हैं। ये बाहर का पक्ष है हमारा, लेकिन मालूम है इसका निश्चय नैसे कौन सा स्वरूप है? जैसे देव हमारे श्री अरिहंत, तो मालूम है असली देव कौन है? देव हमारी आत्मा। ये आप अंतर में आइए, अंतर जगत में आइए। असली जो देव है वो कौन है? अरिहंत की बजाय आत्मा है, क्योंकि बिना आत्मा के कोई परमात्मा होता ही नहीं। अरिहंत अगर कोई बना है तो किसके आधार पर बना है? आत्मा के आधार पर। तो असली देव हमारी आत्मा है, गुरु हमारा कौन? वहां निर्ग्रंथ संत है तो असली गुरु कौन? असली गुरु है सम्यक ज्ञान, असली गुरु है। क्योंकि आपके अंतर में ही दो चीजें हैं, एक भगवान भी होता है, एक शैतान भी आपके अंदर होता है। अगर आप कभी गलत करते हो तो आपके अंदर एक देव बैठा हुआ है, एक गुरु बैठा हुआ है, जो एक बार जरूर कहता है तू रहने दे, इन चक्रों में मत पड़, ये गलत काम है। कोई है अंदर बैठा हुआ आपके और हमारे, गुरु बैठा हुआ है अंदर। उस गुरु का नाम क्या है? सम्यक ज्ञान। वो है असली गुरु। वही गुरु है जिसने तुमको कहा कि हमें श्रुत देव की आराधना करनी है। उसी गुरु के बलबूते पर आप आओ। आप मेरे लिए नहीं आए, मेरी वजह से नहीं आए, क्योंकि जैन तो बहुत है यहां पर। लेकिन जिनके सम्यक ज्ञान रूपी गुरु ने कहा कि नहीं, जब हम हमारे चतुर्मास लेकर के आए हैं, जब उपाध्याय श्री जी का समोसरण लगा हुआ है और वहां उत्तराध्ययन की वाचना चल रही है, तो जरूर जाना चाहिए। ये किसने कहा? ये आपके गुरु ने कहा है, ये आपके अंतर छुपे हुए सम्यक ज्ञान ने कहा है। वो उसी से बंद करके आए हो आप। और जो हम प्रेरणा देते हैं ना, और जिस प्रेरणा से आप प्रभावित होते हो, तो वो प्रेरणा से प्रभावित होने वाला ही सम्यक ज्ञान है, जिसने सुन ली हमारी पुकार। नहीं तो कई लोग तो ऐसे जो बहाने बना देते हैं। मैंने तो ऐसे देखे लोग 103-104 बुखार में दुकान में चले जाएंगे, लेकिन जुखाम होती, सिर में माड़ा सा दर्द होती, थानक छोड़ देंगे, थानक में नहीं आते। कमाल, कभी चेक करना। और फिर पूछ ले भाई आई नौकर जी, बस तबीयत ठीक नहीं थी। अरे भाई तबीयत को क्या हो गया? बुखार हो गया था क्या? नौकर नहीं, बस मामूली सा जुखाम सा हो गया था। वो कम से कम आप, मुझे लगता है थानक में नहीं आने के बहाने ढूंढते हो, लेकिन जिसे आना हो वो आने के बहाने ढूंढता है, जो आना चाहता वो आने के बहाने ढूंढता है, हर तरह से सिस्टम जमा लेता है वो। आपको कुछ भी, मैंने ये कभी कभी कहता हूं कि कहीं पर आपको 1,00,000 रुपए की पेमेंट मिलनी है, 10,000 रुपए की पेमेंट मिलनी है, तो आप 100 काम छोड़ के सुबह 4 बजे भी जाना पड़े तो वहीं पहुंच जाओगे। तो यार आने दे माल। लेकिन यहां बुलाने के लिए मैंने पहले कहा था कि 8 बजे कथा शुरुआत करेंगे। उन्होंने ना जी मुश्किल हो जाएगी जी, 8:30 बजे कर देना जी। और ठीक है, आप ये समझिए, आप कहीं ना कहीं बहाने ढूंढते हो।
ये सम्यक ज्ञान जो बहाने ढूंढता है वो मिथ्यात्व है, वो मिथ्या ज्ञान है। लेकिन जो सभी बहानों को एक तरफ छोड़कर आत्महित का साक्षी होता है, जो आत्मा को प्रमुख मानता है, वो सभी दुनिया के बहानों को, रोड़ों को, अड़चनों को, बाधाओं को दूर करके यहां आता है, ये सम्यक ज्ञान लेकर के आता है। तो गुरु हमारा सम्यक ज्ञान, देव हमारा आत्मा, गुरु हमारा सम्यक ज्ञान, और धर्म हमारा विवेक। विवेक ये असली धर्म है। विवेक आपको बतलाऊं, जिसमें विवेक होता है ना, वो कभी कट्टरवादी नहीं हो सकता। जो विवेक वाला, जिसमें विवेक होता है ना, जो जानता, विवेक किसको कहते, जो भले बुरे को जानता है, विवेक किसको कहते, जो पाप और पुण्य को पहचानता है, विवेक किसको कहते, जो जीव और अजीव को जानता है, धर्म किसको कह, विवेक किसको कहते हैं, जो, क्योंकि आप ये सोचना, मैं ऐसा एग्जाम्पल देना नहीं चाहता पर दे रहा हूं कि घर में अगर आग लग जाए तो आप छोटी मोटी चीजें उठाते हो या जो मूल्यवान चीजें हैं वो उठाते हो? अगर मौका मिले तो, मौका मिले तो आप मूल्यवान चीज उठाते हो, अगर कभी कभी मौका ना मिले तो अपने आप को बचाते हो, तो क्योंकि तुम उस वक्त जानते हो कि ये आत्मा ही मूल्यवान है, ये जीवन ही मूल्यवान है। आप सब चीजें छोड़ देते हो अपने जीवन को बचाने के लिए। उस समय पता चलता है कि जिंदगी कितनी कीमती है, ये जिंदगी कितनी मूल्यवान है। तो आप उस समय अपने आप को बचाते हो। जब कोई भी साधन नहीं बचता है तब अपने आप को बचाते हो। जो अपने आप को बचाना, यानी अपनी आत्मा को बचाना, ये विवेक से आता है। विवेक का कहीं जगह उपयोग कपट के लिए भी किया जाता है, तो जो कि गलत है। कभी कभी हमारा श्रावक भी कह देता है कि गुरु महाराज संति गुप्ती से सब काम कर लिया करो, तो इसका मतलब ये होता है कि चुपचाप अंदर खाते कुछ भी कर लो। एक बार एक श्रावक ने कहा था मुझे, कहा जी ऐसा किया करो, लोगों में सम्मान बढ़ेगा, पंखा है ना, जब कमरा बंद कर रहे हो तब चला लिया करो, लेकिन जब लोगों के आगे पंखा बंद रखा करो, इज्जत बढ़ेगी आपकी। अब बताओ जी, ये समिति गुप्ती होती है। मैं अगर कोई काम चुपचाप गलत कर रहा हूं तो क्या ये मेरा विवेक माना जाएगा? क्या मैं इससे पाप से बच जाऊंगा? आप यही विचार करना। विवेक हमें ये समझाता है कि जो गलत है वो गलत है, वो दिन में भी गलत है तो रात में भी गलत है, वो सामने भी गलत है तो पर्दे पर भी गलत है। इसका जो बोध कराता वो विवेक है। ये ही असली धर्म है। तो ज्ञान, दर्शन, चरित्र, तप और ये देव, धर्म और गुरु, ये जो हम समझ जाते हैं वही मोक्ष गति में गति करता है। उसमें कई चीजें आ गई, 10 रुचियां भी हैं, निसर्ग रुचि। कई लोग ऐसे होते हैं, देखो मैं कितनी मेंटेलिटी बता रहा हूं, भगवान के ज्ञान को मैं नमन करता हूं, उनकी इस विस्तार को मैं नमन करता हूं। सम्यक की 10 रुचियां बताइए। रुचि, रुचि तो आप समझते होंगे, जो आप करने की इच्छा रखते हो, रुचि, जो काम आप रुचि से करते हो वहां नींद नहीं आती। मैं सच बतला रहा हूं, जिसमें आपकी रुचि है उसमें नींद नहीं आएगी, और जिसमें रुचि नहीं है उसमें, हाँ, इसलिए आपको प्रवचनों में नींद आती है। क्यों आती है? रुचि नहीं होती। माला फेरने में नींद आ जाती है। क्यों आती? रुचि नहीं है। सामायिक में लटका लेते रहते हो। और आप देखो ना, अगर आना पूर्वी धर्म शास्त्र पढ़ो नींद आ जाए, माला फेरो नींद आ जाए, प्रवचन सुनो नींद आ जाए, अगर कोई लड़ाई हो रहा हो, झगड़ा हो रहा हो, और कोई ऐसा सीन चल रहा हो, रोमांटिक सीन चल रहा हो या संघर्ष का, अरे तुम्हारी आंखें खड़ी हो जाती है। और कमाल की बात एक और बताऊं आपको, कि अगर कोई किसी की प्रशंसा कर रहे हो बेकार, और किसी की निंदा हो रही हो, दोबारा बोलना, दोबारा बता, कमाल की बात है। ये जो रुचियां हैं, ये व्यक्ति के अंदर रुचि है। इससे पता चलता है कि हमारी रुचि कहां है, हमारा ध्यान किधर है। तो ये निसर्ग रुचि, कई लोग ऐसे होते जिनमें स्वाभाविक धर्म की रुचि रहती है, निसर्ग, स्वाभाविक रुचि, जिनके मन धर्म में रमा हुआ है। और वही है, मैं बताऊं, ये जो आप लोग यहां बैठ करके आनंद ले रहे हो, ये जो, ये अगर आपको आनंद अगर बलवान हो जाए तो अगले जन्म में फिर काम आने वाला है,
फिर धर्म करने का दिल करेगा, संतों को देखते नमन करने का दिल करता है, फिर आप संप्रदाय नहीं देखते किस संप्रदाय का साधु है, फिर ये देखते ये साधु है बस, फिर नमन करते हो, फिर जहां से भी आपको अच्छी चीजें मिलती है आप उसको नमन कर लेते हो, उससे उस अच्छी चीज को ग्रहण कर लेते हो, फिर आप टिप्पणियां नहीं करते हो। तो निसर्ग रुचि, स्वाभाविक रुचि, फिर होती है उपदेश रुचि। कुछ लोग ऐसे होते जो भूले भटके आ जाते हैं, किसी के कहने पर आ जाते हैं, हाँ किसी के कहने पर आ जाते हैं प्रवचन में, पर लेकिन प्रवचन उस दिन मजेदार हो गया और मजेदार सुनती है, फिर मन में आया यार प्रवचन तो रोज सुनना चाहिए। फिर उपदेश से भी रुचि जाग जाती है, कभी कभी प्रवचन सुनने के बाद मन करता कि यार कल फिर चलते हैं, हाँ मैं मजा आ गया, उपदेश से भी रुचि होती है। फिर कहते हैं अज्ञा रुचि, अज्ञा रुचि उसको भी कहते हैं, कोई आपके माता पिता हैं, आपके गुरु हैं, जिनका आप सम्मान करते हो, जिनका आप इज्जत करते हो, उनकी आज्ञा मुझे नहीं टालनी, जो वो कहेंगे मैं वो, यानी बड़ों की आज्ञा मानना, ये आज्ञा रुचि है। किसी के बड़ों ने आज्ञा दी, माता पिता ने कहा कि चले जाओ, कभी कभी बीवियों के कहने से पति लोग भी आ जाते हैं, है ना, पता नहीं तुम्हारे कहने से ये आती है नहीं आती है, मुझे मालूम नहीं, लेकिन कभी कभी इनके कहने से, पर लेकिन कहीं से भी अगर आपके अंदर भाव जगता है यहां आने का, आज्ञा रुचि। फिर कहते हैं सूत्र रुचि, सूत्र रुचि, सूत्र सुनने में पढ़ने में जब आनंद आने लगता है, सूत्र के प्रति आनंद आने लगता है, नहीं मुझे यहां पर आत्मा की चीज मिली है, तो सूत्र के अंदर भी रुचि आ जाती है। फिर बीज रुचि, बीज रुचि उसको कहते हैं जो थोड़े में ज्यादा समझ जाए, कई बड़े बुद्धिमान लोग होते हैं, है ना, आपने देखा होगा गिलास के अंदर पानी भरा हुआ, उसमें एक बूंद तेल की डाल दो तो वो तेल चारों तरफ फैल जाता है, एक बूंद से ही आपको हर चीज समझ में आने लग जाती है, एक बीज में हजारों सैकड़ों बीज छुपे हुए हैं वो समझ में आ जाए, उसे बीज रुचि कहते हैं। अभिगम रुचि, अभिगम रुचि कहते हैं कि मन में एक भावना जगती है कि मैं पूरी द्वादशांगी का, पूरे 11 अंगों का मैं अध्ययन करूंगा, जो भगवान की वाणी है उसमें रमन करूंगा, उसमें डुबकी लगाऊंगा, ये अभिगम रुचि, उसको धारण, उसको महसूस करने की रुचि। एक होती है संक्षेप रुचि, कई लोग ऐसे होते हैं, महाराज जी बात सुनो जी, मेरे पास बुद्धि इतनी नहीं है, थोड़ी सी काम की बात बता दो, है ना, जिसको आजकल के लोग कहते हैं क्रैक्स, क्रैक्स बोलने लग जाओ, पता है कहां से शब्द लेकर के आते हैं, मतलब सार सार बता दो जी, मैंने इतना समय हमारे पास भी नहीं है, मुझे मालूम है कि 10-12 साल के बाद लोग यही कहा करेंगे, जब हार पानी लेने किसी घर में जाएंगे संत, हम कहेंगे प्रवचन सुनने आना, तो गुरु महाराज 2 मिनट यही सुना दो, काय को चक्कर में पड़ते जी, टाइम को नहीं, यही दे दो जी थोड़ा बहुत ज्ञान, तो हो सकता है तो संक्षेप रुचि उस समय के लिए बना रखी हो, तो थोड़े में जो समझ जाए, अल्पबोध। एक धर्म रुचि होती है, धर्म करने की रुचि, धर्म रुचि उसको कहते हैं जिससे धर्म पर कभी अविश्वास नहीं होता, सामायिक पर अविश्वास नहीं होता, माला जाप पर कभी अविश्वास नहीं होता, जिनवाणी पर कभी अविश्वास नहीं होता, और इसके लिए बोला जाता था निसंकित निकांक्षित, कुछ अपेक्षाएं, कोई भी वो धर्म ध्यान इसलिए नहीं करता कि मुझे इस चीज से कुछ चीज की प्राप्ति होगी, वो सबसे बड़ी प्राप्ति में एक प्राप्ति को मानता है कि मन की शांति मिलनी चाहिए, भैया मुझे दुनिया की कोई चीज नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, मन की शांति चाहिए, और शांति तभी आती है जब इच्छाएं, बोलो बोलो, इच्छाएं कम होती जाती हैं, और बाइबल का वो वाक्य मुझे बहुत याद आता है, उन्होंने बड़ी गजब की परिभाषा करी, इंसान और भगवान की एक तरीका बतलाया कि इंसान कौन होता है और भगवान कौन होता है, वो डिजायर के ऊपर रखा उन्होंने, मतलब बाइबल का ये वाक्य मुझे बड़ा प्यारा लगता है, उन्होंने बोला कि गॉड प्लस डिजायर, गॉड प्लस डिजायर इक्वल मैन, मैन माइनस डिजायर्स इक्वल गॉड, अगर भगवान में इच्छाएं आ जाएं तो वो इंसान बन जाता है, और इंसान से अगर इच्छाएं निकल जाएं तो वो भगवान, यही मोक्ष मार्ग गति, इसी को ही समझना है। आपने बड़े प्यार से सुना, इसके लिए मैं आप सभी का आभारी हूं।
और आज 28वां अध्ययन और कल 29वां अध्ययन दो या तीन दिन तक चलेगा, क्योंकि बड़ा अध्ययन है सम्यक्त पराक्रम, उसका नाम ही इतना जबरदस्त है सम्यक्त पराक्रम, और चर्चा वहां करेंगे।